मंदसौर आंदोलन के बाद विवादों में आई शिवपुरी विधायक शकुंतला खटीक के घर और उनके कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी हुई है। शकुंतला खटीक के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। दरअसल करेरा में प्रदर्शन के दरमियान शकुंतला खटीक पुलिस से उलझ गई थी। उनसे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो थाने में आग लगाने को कहती हुई नजर आई है, भड़काती हुई दिख रही थी। FIR दर्ज कर ली गई थी। छापेमारी अब उनके कई ठिकानों पर की गई है। दीपक अग्रवाल हमारे संवाददाता में और जानकारी देंगे। खबर मिल रही है पुलिस की छापेमारी हुई है शकुंतला खटीक के कुछ ठिकानों पर। दीपक देखिए, दरअसल ये मामला 8 तारीख का है पूर्व में, और वहां पर आंदोलन के दौरान यहां पर पुलिस से अभद्रता की गई थी। वहां कई इस तरह के बड़े आंदोलन किए गए, भड़काया गया वहां की जनता को, आक्रोश किया गया, उसी के चलते वहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जांच के बाद 5 दिन बाद पूर्व FIR हुई है शकुंतला खटीक कांग्रेस की विधायक जो करेरा विधानसभा से हैं। और आज देर रात उनके यहाँ पर जब पुलिस का छापा पड़ा, सुबह तक पुलिस लगातार सर्चिंग में रही है और उनपे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR की गई है। उसी समय से शकुंतला खटीक जो है कांग्रेस की विधायक, वो लगातार फरार चल रही है 2 दिन से। उनके तीनों बेटे और उनके हस्बैंड ये वहां से अपने घर से लापता है। जब वहां पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके यहाँ पर उनके नौकर मिले थे और उनके घर पर कोई भी नहीं है। इसके अलावा 2 दिन से फरार है वो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए।